फ्रेंड्स, वेलकम टू होम फूड रेसिपीज। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और आज ईद के इस स्पेशल डे को सेलिब्रेट करने के लिए होम फूड रेसिपीज आपके लिए लेकर आया है जर्दा। तो जर्दा बनाने के लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे आधा किलो चावल, जिन्हें हमने आधा घंटा पहले ही भिगो कर रखा है, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू, 25 ग्राम गोला, 10 से 12 छोटी इलायची, आधा कप असली घी, 50 ग्राम किशमिश और 1.5 टीस्पून जर्दे का रंग। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जर्दा। तो सबसे पहले हम अपना फ्लेम को ऑन कर देते हैं और एक बड़ा बर्तन लेकर इसमें हमने 2 जग के करीब पानी रखा है, बॉयल होने के लिए रख देते हैं। अब इसमें हमें ये जर्दे का रंग मिलाना है। इससे पहले थोड़े से पानी में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद में इस पानी के अंदर डाल देंगे जो हमने बॉयल होने के लिए रखा है, और इसे जब तक रखेंगे जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि पानी में हमारे उबाल आ गया है। देखिए, फुल फ्लेम पर हमने पानी रखा था, तो ये पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो गया है। इसे 1 मिनट के लिए और होने देंगे। और फ्रेंड्स, हमें 300 ग्राम चीनी की और आधा ग्लास दूध की भी इसमें ज़रूरत होगी। तो अब जैसे इसमें उबाल आने लगा है और 1 मिनट हो गया है हमारा, तो अब हम इसमें ये चावल डालेंगे। फ्लेम को कम कर दीजिए और धीरे धीरे इसमें ये चावल हम डाल देंगे और कम से कम इन्हें 5 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे ताकि अधगले हो जाए, आधा गल जाए चावल हमारे। तो फ्रेंड्स, देखिए चावल हमारे आधे गल चुके हैं। तो अब जब ये आधे गल गए हैं तो हमें इनको सारा पानी निकालना होगा। तो पानी के लिए हम कोई भी छन्नी का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप ये यूज़ कर ले लीजिए, चाहे ये, बस हमें इनका सारा पानी फेंक देना है निकाल कर। और बाज़ार में बहुत सारे फूड कलर्स आते हैं, लेकिन जर्दा बनाने के लिए हमें जर्दे के रंग के नाम से ही जो कलर आता है वही यूज़ करना होगा। तो चलिए अब हम इसका पानी निकाल देते हैं, सारा फ्लेम ऑफ कर देते हैं और पानी निकाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चावल का पानी हमने सब निकाल दिया है और ये कितने अच्छे से आधे गल चुके हैं। तो अब हम आइए इनको बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले गैस पे बर्तन रखते हैं और अपनी फ्लेम ऑन कर देते हैं। ये जो हमारा आधा कप तेल था, ये घी है असली घी, ये इसमें डाल देंगे। और इसे अच्छे से गर्म होने रख देंगे। जब तक ये गर्म होता है तब तक हम अपनी छोटी इलायची ले लेते हैं और छोटी इलायची को हल्का सा कूट देंगे। बस, और छोटी इलायची को हम इस घी में डाल देंगे और जब तक ये फूल नहीं जाती है तब तक इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। ये हमारी छोटी इलायची अच्छे से फूल रही है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चीनी की लेयर लगाएंगे। पहले चीनी डालेंगे इसमें हमारे चावल हैं, हम उनकी लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। और उसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे अपने। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने ये लेयर लगाई है ऐसे ही हम ये प्रोसेस दोबारा से करेंगे।
और फिर हम इसके ऊपर चीनी डालेंगे। आपने चीनी का ज़रदा तो बहुत खाया होगा, लेकिन शुगर फ्री भी ज़रदा हम बनाएंगे, जो आप मेरी अगली रेसिपी में देखेंगे, शुगर फ्री ज़रदा। अब इसमें हम फिर से चावल की लेयर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये लास्ट लेयर हमारी चावल की लगेगी। ये जो थोड़ा सा दूध है, हम इसमें से तकरीबन फोर टेबल स्पून दूध इसमें डालेंगे। और इसे 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देंगे और बाद में इसे 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड, 10 मिनट्स हो चुके हैं, हम अपने चावलों को चेक कर लेते हैं कि कैसे हुए हैं। तो इन्हें अच्छे से चला लेंगे अब हम, ताकि चीनी अच्छे तरह से इसमें मिक्स हो जाए हमारी। और चूंकि अभी ये अच्छे तरह से गले नहीं हैं, तो हम इन्हें और 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं कि ये कैसा हुआ है हमारा ज़रदा। देखिए, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, चावल भी एकदम गल चुके हैं, अब ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक डिश में निकाल के सर्व करेंगे। तो हम डिश लेते हैं और अपने ज़रदे को इसमें निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमने डिश में निकाल ली है, और अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा ज़रदा। और अगर आपको मेरे ये ज़रदे की रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।